वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 मई 2018 और 28 मई 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, आप उस बटन पर क्लिक करके बराबर वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 37 वर्ष बाद उबर कप जीता है? तो ये जीता है जापान ने। जापान ने 37 वर्ष बाद उबर कप जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ये जो टर्म आया है उबर कप, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि उबर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आप याद रखिए, उबर कप है बैडमिंटन से संबंधित। और 37 साल बाद उबर कप को जीता है जापान ने। जापान ने इससे पहले 1981 में उबर कप जीता था और 1981 के बाद अब यानी कि 2018 में उबर कप जीता है। अब ये जापान ने जीता है तो जापान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप मैप में देखिए, ये है जापान, ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, जो भारत के दौरे पर भी आए थे जब बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी गई थी अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में जो बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी गई थी उस टाइम जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे भारत के दौरे पर आए थे। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले स्मार्ट और हरे राजमार्ग को देश में कहां समर्पित किया गया है? तो ये समर्पित किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के बागपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्मार्ट और हरे राजमार्ग को देश को समर्पित किया है। ये 11,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है और ये इंडिया का पहला सोलर एनर्जी ऑपरेटेड राजमार्ग है। इंडिया का पहला सोलर एनर्जी ऑपरेटेड राजमार्ग है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्मार्ट और हरा राजमार्ग, क्योंकि ये सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड है। ये गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और पलवल को सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी से कनेक्ट करेगा। किस किस को कनेक्ट करेगा? गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और पलवल को सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी से कनेक्ट करेगा। अब इसका उद्घाटन यानी कि इसको देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने बागपत में। तो बागपत का आपको नाम जब भी आपको सुनाई दे तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि बागपत एनसीआर में है। अब एनसीआर में है तो माइंड में ये आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में है। तो प्रेजेंट टाइम पे उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में है, जिसमें सबसे लेटेस्ट जिला शामिल हुआ है शामली। कौन सा शामिल हुआ है सबसे लेटेस्ट? शामली। ये आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो आपको 8 जिलों के नाम याद रखने हैं, लेकिन ये आप याद रखिए सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा शामिल हुआ है, शामली। ये 8 जिलों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप नोट कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए। बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर में हैं। और एनसीआर की फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस ऐप पर सर्वेक्षण शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में नमो ऐप पर सर्वेक्षण शुरू किया है। अब ये सर्वेक्षण क्या है, आप जानते हैं केंद्र सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और 4 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों और विधायकों के क्षेत्र से फीडबैक लेने के लिए ये सर्वेक्षण शुरू कराया है नमो ऐप के थ्रू। और नमो ऐप पर अभी कुछ समय पहले सवाल भी खड़े हुए थे कि ये ऐप हमारे डाटा को लीक कर रहा है। बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जो डाटा को लीक करती हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और ये इंटरनेट का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, आपका डाटा लिया जाता है फिर उस डाटा को बेचा जाता है। कभी आपने सोचा है कि अगर आप बॉय हैं और अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आपके पास सभी बॉयज वाले ही ऐड क्यों आते हैं? बॉयज के कपड़ों के ऐड आएंगे, बॉयज के शूज के ऐड आएंगे, बॉयज की एसेसरीज के ऐड आएंगे। अगर आप गर्ल हैं तो अगर आप फेसबुक चलाती हैं तो आपके पास गर्ल्स के ही सारे ऐड आएंगे, गर्ल्स के क्लॉथ्स, गर्ल्स के शूज, गर्ल्स की अदर एसेसरी, ये सभी ऐड आते हैं। कभी सोचा कि उन्हें कैसे पता चलता है कि ये लड़का चला रहा है या लड़की चला रही है?
ऐसे ही डाटा को बेचा जाता है, फिर आपका इंटरेस्ट देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। जिधर इंटरेस्ट आपका ज्यादा होता है वही एड आपके सामने शो किए जाते हैं। तो ये डाटा का गेम है, डाटा ऐसे ही बेचा जाता है और इसका ऐसे ही यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये आप याद रखिए कि नमो ऐप के थ्रू प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वेक्षण शुरू कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर चलने वाले चौथे व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एलन बीन। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं एलन बीन, और ये चंद्रमा पर चलने वाले चौथे व्यक्ति थे और अमेरिका में इनका अभी हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब ये चौथे व्यक्ति थे तो माइंड में क्वेश्चन ये आ जाता है कि पहले दूसरे और तीसरे कौन थे, चंद्रमा पर चलने वाले पहले दूसरे और तीसरे कौन थे? तो ये जो मैंने ऑप्शन लिखे हैं ए बी सी, पहले वाले हैं नील आर्मस्ट्रांग, ये चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरे हैं एडविन बुश एंड्रिल, ये दूसरे व्यक्ति थे, और चार्ल्स पेट कोनार्ड, ये तीसरे व्यक्ति थे। तो ये जो ऑप्शन मैंने ए बी सी लिखे हैं ये पहले दूसरे और तीसरे व्यक्ति थे चंद्रमा पर चलने वाले, और चौथे कौन थे? एलन बीन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी के चौथे जहाज MK4 को किस सेना में शामिल किया गया है? तो ये नौसेना में शामिल किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नौसेना की बात आ गई है तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे नौसेना प्रमुख हैं कौन? तो ये हैं एडमिरल सुनील लांबा। अब आपको वैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख पता होना चाहिए, थल सेना प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल सुनील लांबा, और वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल PS धनोआ। तो तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अभी हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं गणेशी लाल। कौन बने हैं? गणेशी लाल। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं गणेशी लाल, और ये अब उड़ीसा के नए राज्यपाल बन गए हैं। उड़ीसा की बात आई है तो मैं आपको उड़ीसा के बारे में बता देता हूँ। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के नए राज्यपाल तो यही बन गए हैं गणेशी लाल, और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। ये जो सी ऑप्शन में मैंने लिखे हैं ये प्रेजेंट टाइम पे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो उड़ीसा के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। और उड़ीसा से मुझे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है, ये बहुत पूछा जाता है। उड़ीसा में एक भीलर द्वीप है जिसका नाम बदल कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यहीं से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तो इस द्वीप का नाम आपको याद रखना है, ये GK में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़ीसा के किस द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। जनरली मिसाइल का परीक्षण यहीं से किया जाता है, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से, और इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो उड़ीसा के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं के राजशेखरन, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं के राजशेखरन, ये अब मिजोरम के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो दो नए राज्यपाल बने हैं, एक उड़ीसा के गणेशी लाल और मिजोरम के राजशेखरन। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अब मिजोरम के बने हैं के राजशेखरन, तो मिजोरम के बारे में आपको बता देता हूँ। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं लाल थानवावाल। ये जो सी ऑप्शन पे मैंने लिखे हैं ये हैं मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर, और मिजोरम के गवर्नर तो यही बन गए हैं के राजशेखरन। तो मिजोरम के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? तो ये चुनी गई है मिया मोटल, बारबाडोस की नई महिला प्रधानमंत्री, और ये बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही हैं मिया मोटल, और ये बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा ये बारबाडोस है क्या, तो पहले तो आप मैप में देखिए, ये है बारबाडोस। ये जो आपको रेड कलर का डॉट दिख रहा है दक्षिण अमेरिका के पास, ये है बारबाडोस कंट्री। इसकी नई प्रधानमंत्री बनी है मिया मोटल। अब बारबाडोस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मैप में तो आपने देख ही लिया बारबाडोस। बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिजटाउन, और बारबाडोस की करेंसी है बारबाडियन डॉलर, और ये नई प्रधानमंत्री बनी गई है बारबाडोस की मिया मोटल। तो इतना आपको बारबाडोस के बारे में पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कार महोत्सव के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया है?
तो ये किया गया है उत्तराखंड में। राष्ट्रीय संस्कार महोत्सव के 9वें संस्करण का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है, तो उत्तराखंड के बारे में आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं कृष्णकांत पॉल। तो इतना आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 दिवसीय आशियान इंडिया फिल्म फेस्टिवल किसने लॉन्च किया है? तो ये राजवर्धन सिंह राठौर ने लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और राजवर्धन सिंह राठौर अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, और इन्होंने ही 6 दिवसीय आसियान इंडिया फिल्म फेस्टिवल को लॉन्च किया है। यहाँ पे मैंने आसियान को सर्कल किया हुआ है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और आसियान का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्ला भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिमी बंगाल में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्ला भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिमी बंगाल में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर। कहाँ पे किया है? पश्चिमी बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के बारे में आपको बता देता हूँ, पश्चिमी बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। अब ये बांग्ला भवन है और इसको भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है, तो बांग्लादेश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश, ये हमारा भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। और जब भी आप बांग्लादेश का नाम सुने तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भारत सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर बांग्लादेश के साथ ही करता है, यानी कि भारत की सीमा रेखा सबसे ज्यादा किसी देश के साथ लगी हुई है तो बांग्लादेश ही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके में बहुत बार रिपीट हुआ है कि भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा शेयर करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ करता है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के उत्सव की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना भारत। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के उत्सव की मेजबानी करेगा अपना भारत। और आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, यानी कि इस बार 2018 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा इसकी मेजबानी करेगा अपना कंट्री भारत, यानी कि इंडिया करेगा 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी। तो 2018 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा इसकी थीम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। तो इसकी थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और इसी से रिलेटेड एक और थीम थी पृथ्वी दिवस 2018 की थीम थी एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आप एक जगह लिख लेना। जब भी कंफ्यूजिंग चीजें आए आप दोनों को एक साथ लिखा करिए, इससे कि आपको अंतर पता रहे। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार जो पृथ्वी दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है 5 जून को, इसकी थीम क्या रहेगी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो दोनों में अंतर आपको समझना है और दोनों को याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हमारे देश की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन में पूछने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, हम हमारे फेसबुक पेज पर अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, और आप जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फेसबुक पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा पेज जरूर ज्वाइन करें और उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 64वां सदस्य कौन सा देश बना है?
चार ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, श्रीलंका, नीदरलैंड या मलेशिया। तो इनमें से आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 64वां सदस्य अभी हाल ही में कौन सा देश बना है। अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बता देंगे। आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।